ओके, गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह मेरी हो गई है और मैं फूड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर नहीं जा सका क्योंकि मैं जैसे ही उठा हूँ तो आई हैड सीवियर स्टमक इन्फेक्शन। पूरा आधा घंटा मैंने बाथरूम के अंदर स्पेंड किया है एंड मुझे लग रहा है कि मुझे फीवर भी हो गया। तो आज का दिन तो पूरा रेस्ट में गुजरेगा और यस, पैनाडॉल में पहली फुर्सत के अंदर डाल रहा हूँ। तो जस्ट विश मी लक। I'ma make you pump like that. तो बॉयज, मेरी आज तबीयत खराब थी लेकिन उसके बावजूद भी आई हैव टू गो मीट सर बाबर। सर बाबर ने मुझे कॉल करके बुलाया है, उन्होंने अपने रेस्टोरेंट के बर्गर टेस्ट करवाने हैं तो जा रहे हैं हम लोग वहाँ पे। अली द मेन मैन। ये व्लॉगिंग हो रही है, फूड व्लॉग है। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बाबर खान द लेजेंड। अब्बा कह रहे हैं ना, वो एक्चुअली उनको भाई कहते हैं। वो उनके अब्बू भी उन्हें भाई कहते थे, उनकी अम्मी भी। किनकी बात हो रही है? मेरे चाचा की बात हो रही है। अच्छा, उनको भाई कहते हैं। ठीक है, उर्दू स्पीकिंग फैमिलीज होते हैं, भाई मियां। तो हम भी भाई चाचा कहते हैं, मेरे दादा भी भाई कहते हैं। अच्छा, जब शादी हुई थी तो चाची को मना कर दिया गया था कि आप भाई ना कहते, वरना कॉन्स्टिट्यूशनल मसाइल। और ये बेचारा इसकी तरफ भी देखो, भाई के घर में डब्बू रखा हुआ है। इनके घर में और भी क्या है? नहीं, तुमने बना क्या रहा? अभी मैं करवा रहा, ये देखा नहीं कि आपने टेस्ट किया ये वाला? तो पीसेस करवाओ। अच्छा सर जी, इसका इस जगह का मुझे थोड़ा बैकग्राउंड बताएं। अच्छा, वो भी बड़ा अच्छा था। मैन वांट टू नो वेयर इट कम्स फ्रॉम। हां एग्जैक्टली। अली ने एक्चुअली जो है वो एक ये एक्चुअली एक घर है, ठीक है, जिसका ये बैकयार्ड है, सही है। तो अली ने कहा कि जी जो इसका घर है अंदर, इसको तोड़ वोड़ के हम स्नूकर क्लब बना लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम स्विमिंग पूल बना, सही है। मैंने कहा यार स्विमिंग पूल छोड़ो, यहाँ पे कैफे बना, उसका नाम रखो द बैकयार्ड कैफे। यस, दैट्स वेयर इट कम्स। दो मिनट में लेट मी शो अराउंड। मैं खुद भी इनको नहीं जानता। इनका इंट्रो जो है वो ये है कि he has worked in Starbucks in Dubai. अच्छा अच्छा। And he has worked in Albeck, कहते हैं Albeck, कहते हैं पता नहीं, Albeck हाँ। Saudi. And he has worked in Mr. Burger. शार्प होते हैं। अब ये उनके ऊपर होता है वो किस सिम्ट में उस माइंड को इस्तेमाल करना चाहते हैं। शार्प माइंड होते हैं, मतलब चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए, अपने पास से कोई पैसे खर्च नहीं हो। लग रहा भाई डसे हुए हैं, दिल से बोल रहे हैं दोस्त यार। मौसम ये तो बिहारी है। How is it? पहले फ्राइज का। टेन आउट ऑफ टेन। कौन सा बर्गर है तुम्हें?
असली रेस्टोरेंट सच बोलो नहीं फ्राइज सही है अच्छे हैं 7.5 7 आउट ऑफ 10 हां मगर बर्गर इज वेरी गुड 8 आउट ऑफ 10 मे बी 9 बर्गर को 9 भी कह सकते हैं बर्गर अच्छा है बहुत डिफरेंट है डिफरेंट येट हाउ इज द बर्गर टेस्टफुल ये तो वही वाला ना जो हमने खाया था बाकी सारे वही हैं बस भाई चटना है इधर लो दूसरा एक और कहां से फिर बाकी सब तो वही स्टफ था हां भाई आगे बताना क्या था फिल्ड बर्गर फिल्ड अभी फ्रेश भी होगा ना मुझे ग्रिल अच्छा लगा ग्रिल अच्छा है लेकिन थोड़ी मिर्च है ना ये भी अलग है मतलब दो और अलग हैं ऐसे ही शेल शेल अभी तक हमने दो खाए हैं दो खाए हैं अभी ये कौन सा टाइप है क्या नाम है इसका क्या है चीज़ रॉकर चीज़ रॉकर यही है जिंगर नहीं जिंगर अभी आते हैं अच्छा नाम एकदम से पता है नहीं नहीं अब पहली बार हाँ पहली बात ये है कि जो मसाला फ्राइज है ना ओपीटीवी स्टाइल के ये बर्गर के साथ क्यों सर मुझे तो अच्छे लगे नहीं बर्गर के साथ नहीं चलते ये अलग चलते अलबत्ता स्टिल मतलब आई एंजॉयड हैविंग दोस दूसरा वाला था मैंने तुमने सारे खा लिया टेस्ट मुझे नहीं पता टेस्ट अमीन ने कुछ भी नहीं छोड़ा है तीनों बर्गर इसने डाउन कर लिया ये वाला जो था ये बहुत बर्गर्स में ये है कि एक तो मसाला फ्राइज बिल्कुल भी बर्गर्स में ये है कि आपका जो बेस्ट बर्गर हम सबको लगा यूनैनिमस राय है कि वो था ग्रिल्ड बर्गर वो बहुत अच्छा था थोड़ा स्पाइसी था और सेकंड नंबर पे जो आपका वो दूसरा वाला था उसका क्या नाम है चिकन फिल्ड चीज़ फिल्ड जो था वो बहुत आला था ये क्या अच्छा दूसरा वाला जो था चीज़ वाला वो भी बहुत अच्छा चीज़ फिल्ड जो था काफ़ी उसकी फिलिंग बहुत अच्छी है फिलिंग मिली जबरदस्त बहुत अच्छा जो चीज़ रॉक वाला है जो जिंगर की शक्ल का है इसको चीज़ रॉक नहीं कंप्लीट जिंगर वाला कंप्लीट जिंगर नहीं जो कम पैट जिसमें कम कोटिंग है हाँ जिसमें कम कोटिंग है रोटी रैप है आई वाज एक्सपेक्टिंग पीटा ब्रेड लेकिन ये रोटी रैप ये हेल्दियर ऑप्शन है कई लोग बना रहे हैं परदेसी ये हेल्दियर ऑप्शन है ये अभी भी मैंने खाया था ये लो भाई अब ट्राई करो एकदम डिफरेंट फ्लेवर फ्राई चटनी वाला गया है मोर ऑफ अ रोल क्या रेट करेंगे आउट ऑफ 10 मेयोनेज के हवाले से लिहाज से बहुत अच्छा है मेरा कहना कितना रेट करेंगे 7 आउट ऑफ 10 सही है 7 इज अ गुड नंबर तुम्हें कैसा लगा अमी चपाती वाली उसका है अच्छा गार्लिक मायो टाइप आउट ऑफ 10 कितना रेट है पराठे का नहीं पराठे ये मजा है चपाती इज अ हेल्दियर ऑप्शन आई थिंक इट्स अ गुड पाकिस्तानीज डोंट बिलीव इन हेल्थ इज वेल They believe in wealth as wealth. Wealth as wealth. सही बात है। जैसे वो Jamie Lannister की जो बहन होती है क्या नाम था उसका? Power is power. Cersei. Cersei. Cersei कहती है power is power. Knowledge is power को deny कर। सही। Butter paper पे करके थैली में डालते हैं। जो पूरे हैं। कभी कर दो तो बच्चे में क्या करोगे? हाँ भाई वो तुम्हारे पेट के क्या मामला आते हैं? भाई जो खाया हुआ खाना है ना वो भी से दस्तक दे रहा है पेट के ऊपर निकलने के लिए चलो फिर जल्दी घर चलो कहीं दाखिल ना हो जाए खारिज ना हो जाए हाँ खारिज ना हो जाए इखराज ना हो जाए चलो ओके चले ओके सर जी
हर ह्यूमन से डिफरेंट रिस्पॉन्स होता है. मैं तो अफेक्शनेट हूँ लेकिन बाकी तो सब उठा के पत्थर मारते हैं, कोई मांग मारते हैं, वो बेचारे उसके मिक्स हुए हैं. सर बाबर आए हुए हैं मेरे गेट के ऊपर. ओ सर जी लॉक हो गया दरवाजा ऊपर से था. ये उसकी बहन की बेटी हुई है ना. अच्छा बिलाल भाई और एक अब्दू का. हाँ ओके ओके कंग्रेचुलेशन. ओके ओके लॉक बन रहा है. हाँ स्ट्रेट फ्रॉम अमेरिका. ओ एक्सीलेंट. अच्छा यूएस में बच्ची हुई है. मिठाई यहाँ बट रही है महमूद की बालूशाही. अच्छा ओके ओके अल्लाह. अपोजिशन के ब्लैक मेलिंग में नहीं आएंगे. वज़ीर आज़म का सीनियर पार्टी रहनुमाओं की बैठक में दो टोक फैला. कहा अपोजिशन वालों को आवाम के लिए करप्शन मुकदमा की फिक्र है. शरीफा को नाराज पार्टी रखने और इत्तेहादियों के साथ रबतों पर ब्रीफिंग दी गई. तहरीकी अदम इतमाद नाकाम बनाने की हुकूमत की हिम्मत अमीन भी तैयार. वज़ीर आज़म ने PTI कोर कमेटी का हंगामी इजलास आज बुला लिया. मौजूदा सूरत हाल से मुतालिक अहम फैसले मुतव. हुकूमत नहीं गिरेगी, तीन चूहों का शिकार होगा. हुकूमत गिराने के लिए लोगों का जमीन खरीदने की कोशिश हो रही है. वजीर आजम इमरान खान के हाफिजाबाद में अपोजिशन पर बाउंसर्स. कहा एहतसाब के डर से तमाम चोर इकट्ठे हो गए. सियासत में इसलिए आया कि कौम को अजीम बनाना है, इसलिए नहीं कि टमाटर और आलू की कीमत क्या है. कोई गोरा आता है तो शहबाज शरीफ जल्दी से टाई सूट पहन लेता है, कहता है हमने अंग्रेजों पर तनकीद करके बड़ा जुल्म कर दिया. जब किसी लीडर की टांगें कांपती हैं तो वो कौम को गिरा देता है. यूरोपीय यूनियन पर सही तनकीद की, मगरबी ज़हनियत को अच्छी तरह जानता है. शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म के खिताब को एतराफ़ शिकस्त करार दे दिया. कहा वाकई आप आलू टमाटर की कीमत कम करने नहीं मुल्क और कौम का कबाड़ा करने हैं. आप महंगाई बेरोजगारी और मौशी तबाही की कयामत बर्पा कर चुके हैं, अब आप घर जाए. आप तो बॉटम लाइन ये है कि एक तरफ इमरान खान है जो कि बिल्कुल ऑनेस्ट बंदा है, ना उसने कभी करप्शन की ना उसके ऊपर कभी एलिगेशन आया. और वो कहता भी है कि अगर कोई एलिगेशन है कोई प्रूफ है आप आओ मैं फेस करने को तैयार हूँ. आई नो दिस गाय इज़ ऑनेस्ट और वो बाकी आवाम की बेस्ट इंटरेस्ट के अंदर सारे फैसले लेता है, काम करता है. जबकि ऑन दी अदर हैंड शहबाज शरीफ और डीजल और जरदारी ये तो ट्राइड एंड टेस्टेड हैं यार. मतलब ये लोग गंदे लोग हैं, करप्ट. इनका बुरा हाल है और इनका मैंने देखा है करीब से हाल. सो आई रियली होप कि इमरान खान सक्सीड. Peace out guys. Good night.